जब राणा जी को जाकर के वो हीरा बांधी समझाती है कि हेर बाबा राव, इस समय रानी भवानी सख्त बीमार पड़ी है और अपना पेट में दर्द बताती है, जल्दी से जल्दी चलो क्योंकि वो तो बहुत ही सीरियस है। बाबू राव सुने हीरा बांधी की बात, घबरागो और उसी टेम में चाल करके एक रानी भवानी के पास माता है। भवानी की दशा देख करके राणा जी घबरा जाता है, मन में विचार करता है कि अब प्रेम प्यारी रानी की जान कैसे बचे। दुनिया भर का डॉक्टर वैद्य एकटा कर दिया लेकिन रानी को रोग समझ में आयो ही कौन। जब एक हीरा बांधी और भवानी रानी दोनों आपस में बतलाए बोले अब के करना, तो रानी एक राव जी को समझाती है और समझा करके वो बताती है तो कैसे बता रही थी। माइल ब्राह्मण को सोर चाट जाया के चाहे थर एक ब्राह्मण को सोर चाहे थर कट जाए काया के मारिया ब्राह्मण को सोर चाहे थर कट जाए काया के मारिया ब्राह्मण को सोर चाहे थर कट जाए का। पंडित ये कटावे गया पतड़ा नी जीनू खोल र बात समझ में आवे को ना देख रया सा तोले और ऊंडी ने पटरानी की सुन नहीं खोलता तोले और इज्जत को दुनिया में कैसे देख बतायो मोले और उसी टेम के माय मन का बहम मिटाओ ब्राह्मण को सोर चाहे थर कट जाए काया के मारिया ब्राह्मण को सोर चाहे थर कट जाए का। समय निकल तो इंदवा सुन राव जाए थर कट जाए काया के मारिया ब्राह्मण को सोर चाहे मन में कर विचार ब्राह्मण को सूर जगत में कह जावा मारे और रानी सकत पड़ी छे केच करता को लकरार और जे रानी मर गई तो मेरा ओड़ से भी कोच संसार और समय निकल तो रानी को जब देख जाए जोड़ो बिछो जायर जे रानी अब मर गई तो जाएगी अन्याय और रानी की रे याद में सुन रानू भी मर जाए और बछड़ा ने इस जग में कैसे नहीं छोड़ती गाय और मौका मार बीमारी ने सुन दवाई ओ चाय बीमारी बारा मर को सो
बाबा राम को सोर चाय कौन रानी महानी के। जब राणा जी ब्राह्मण को बुलाता है, ब्राह्मण पतला को खोलकर देखते हैं तो कोई रोग समझ में नहीं आता है। रानी जी बोली, मेरी बीमारी को मुंह नहीं मालूम छे, बालकपण में मैं देवी के जापो करती, देवी के एक ब्राह्मण को सूर बोलोड़ो छे, जब तक वह ब्राह्मण को सूर नहीं चढ़ेगो जब तक मेरी बीमारी कटे ही कटेगी। राणु चक्कर में पड़ जाता है कि जय रानी के लिए ब्राह्मण को सूर नहीं मिलो तो रानी भी मर जाएगी, हर या तेरी काया भी आई गैया ही जाएगी। इतनी देर में रानी भवानी एक अपनी करोट ले लेती है और देख कर महल को रगड़ को और एक ब्राह्मण को सूर पैदा करती है। और कर सूर ने पैदा, ठेक रानी भवानी जा सूर्या मतना देर लगाए, कदे 10 कदम आ गए तो कदे राणा जी 20 कदम आ दे। उन्हें रानी भवानी जब ब्राह्मण को सूर पैदा करके भगाती है और एक आगो कर निकलता है और पूरा राता कोट में रोड़ा मारता है, एक सूर की शिकार करने के लिए जाते हैं तो कैसे कर रहे थे। मंगायो
राणा जिन दार दटपट वैलो ना तैयार कई जी राणा जिन दार दटपट वैलो ना तैयार फिर सूर कोई आ तो नहीं वो उतारो उतारो मनावे अपना घोड़ा ने मनवावे मन में कोना देर लगावे चालो तुर्क बाहर नहीं आवे मन में कोना देर लगावे कागर तुर्क बाहर नहीं आवे मन में कोना देर लगावे कागर तुर्क बाहर नहीं आवे येरे जेड़े जगत खड़ो छो प्यारा सारो सारो समझ करके पूरे राता कोट के जितने भी नदार सभी कितर हो जाते हैं। अरे सूर गयो कोई मारो और अपना शस्त्र हाथ से धारो। दरबार में जाकर के राणा को कही जाती है कि महाराज इस समय बारामण का सूर अपनी नगरी के सामने निकल करके जा रहा है। राणा जी अपना घोड़ा को समझाता है और उसी टेम में सूर को मारने के लिए एक राणा जी उस सूर के पीछे हो जाता है। गैर गैर फौज आ गए राणू जी सूर का पीछा कर रखा था। कबे तो सूर 10 कदम आगे दीख वाला जा रहा, कदे 20 कदम आगे दीख वाला गया। जब राणू जी और अपना पलवानों को बुलाता है और एक सूर का बारे में बात बताता है तो क्या कह रहा था। रानी जे जी नहीं तो फी को लाल गो संसार और उसी के मंगोलिया का बजरो पकड़ो सूर फेरो तुम यादारो बोल पकड़ो सूर फेरो तुम यादारो बोल
ब्राह्मण को देख गजब को गोलो और उसी टेम में रंग सूर को देख बतायो धोलो और राणो जी भी बात ने जब तो और ऊंडी ने जब राणो बात ने तो मार करके जाओ 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 तावड़ा और करियो काम जरूर। रानी पड़ी छे महल में बीमार तो चाहे छे बारामन को सूर। बलवान सब भाग रहे थे लेकिन सूर हाथ में नहीं आ रहा था। ऊंडी ने जब दिन छिपियो और रानी भवानी और एक हीरा बांदी ने समझा लगी बोलो बांदी देखा देखा ना राता कोट में सब जाऊं से सब जाके छे सारा का सारा ही सो गया। जरा हीरा बांदी महल के ऊपर चढ़ जाती है और एक राता कोट की दशा देख करके रानी को बताती है तो क्या बता रही थी। सगड़ा सोता चंग सारी तो नंगरी मैं रानी वे जो गोर अंधेरो
कच से छे दीवो जागे देख लाएगी गो मेरो और कते कोई ढूंढा मेर मुने सब कते दिखे अंधेरो और सब सो गया दिखे नींद को देख ले रिया लेरो अरे या आनंद की बात सब दस बैठ कर पटरानी तू कर सोलू शिंगार अगर लोग लोग बाग नो लखे बाटी देख जा लाखों का दातार और राता कोट के मायन ये सूता छे नर नार अब नीचे उतरा महल सिर चाला देख ले समझाऊं वो बनवारी समझदार था आप शरीर और फाटोड़ा ने जग में के चे प्यार से बांदी ने बोले तू जा और पतो लगा कर कौन मान भी जागे छे कौन कौन छे एक बेटा को ग्वाल छो देख कर नहीं और ईरा बांदी ले जाकर भांग का लाडू दिया
ਬਾਂਕਾ ਲਾਡੂ ਖਾਵਾ ਸੋਨ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਭਵਾਨੀ ਰਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਗੜਾ ਹੋਤਾ ਕਿ ਸਾਥ ਇੱਕ ਉਧਾਲਾ ਲੇਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਥੀ। ਖੋਲ ਆਹੋ ਜੇ ਬੋ